हेलो इंडिया, स्वागत है आपका वापस एक नए ब्लॉग में। और पिछला ब्लॉग जहाँ से मैंने ख़त्म किया फिर वहीं से शुरू करते हैं। और अभी जा रहे हैं स्नो व्यू पॉइंट पे। सुनने में तो आ रहा है वहाँ अभी इस टाइम हिमालय नहीं दिखता, लेकिन सुबह सुबह दिखता है। तो फिलहाल अभी वैसे वहाँ चल रहे हैं और देखते हैं क्या दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक और एडवेंचरस जर्नी। और ये जर्नी मैं पैदल ही कर रहा हूँ, बजट ट्रिप है ना। और मेरा फ़ोन अभी फ़िलहाल डाउन हो रहा है, बस 15% और बचे हुए हैं, तो चार्जिंग में लगा दूंगा क्योंकि मैं पावर बैंक लेके चल रहा हूँ पॉकेट में। ये है मेरा पावर बैंक। और भाई कुछ ऐसा रास्ता है, जंगल ही जंगल है, और यहाँ पे लोकल लोग रहते हैं नैनीताल के। और यहाँ पे सबसे बेस्ट अगर घूमना है आपको तो आप एक स्कूटी हायर कर लीजिए और घूमिए पूरा नैनीताल, सबसे बेस्ट है। आप हर एक जगह घूम लेंगे और विदाउट स्कूटी ऐसे पैदल आप स्नो तक जा सकते हैं, मतलब स्नो व्यू तक जा सकते हैं। बाकी उसके ऊपर बहुत दूर दूर है, मनसादेव टेम्पल है और भी बहुत सी जगह हैं। इन वादियों में पैदल ही सफ़र कर रहे हैं और एडवेंचरस जर्नी है, मज़ा भी आ रहा है। अकेले काफ़ी सुनसान सड़क है, पैदल इस पर कोई जा नहीं रहा, बहुत लोग जा नहीं रहे। तो फिलहाल इन खूबसूरत वादियों का मज़ा लेते हुए हम आगे चल रहे हैं। मैंने एक शॉर्टकट ले लिया, पीछे थोड़ी सी चढ़ाई थी और घूम के आने की वजह मैं यहीं से चढ़ गया। और ये व्यू है भाई, ऐसे रास्तों का मज़ा लेते हुए तो हम कहीं भी चले जाएंगे। और गूगल भी यार अलग अलग चीज़ दिखाता है। पहले जब मैं स्टार्टिंग किया था तो वहाँ से दिखा रहा था स्नो पॉइंट 1.9 km, मतलब 1900 मीटर, और अब दिखा रहा है 3 किलोमीटर। भाई साहब यार, मतलब गूगल मैप के भरोसे कहीं मत जाइए। और बहुत कम लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं, बाकी सबके सब गाड़ी जा रहे हैं। और पैदल का एक अलग ही एडवेंचर होता है, घूमना चाहिए। अगर 2-3 किलोमीटर है तो पैदल चले जाना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई मैं तो गांव में वैसे भी पैदल बहुत चल रहा था, मेरे स्कूल्स थे लगभग 3 किलोमीटर, तो मेरे स्कूल भी थे, हाँ 3 किलोमीटर थे, तो मैं पैदल जाया करता था जब छोटा था तब से। मैं वहाँ से आ रहा हूँ, वो साइड, हाँ वो शायद वी पॉइंट था वो, आपको जो छोटा सा घर दिख रहा है वहाँ से आ रहा हूँ, नीचे से फिर यहाँ आ चुका हूँ। कोई नहीं, अभी और आगे चलेंगे। तो भाई मेरा फ़ोन हो गया था डाउन, मैंने अभी तक लगाया था चार्ज में और काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ। अभी यहाँ से 2.5 किलोमीटर बचा है भाई, मतलब 2.5-3 किलोमीटर तो मैं ऊपर आ चुका हूँ, अभी यहाँ से 2.5 किलोमीटर बचा है। आप ये व्यू देखिए, वो है नैनीताल लेक, और मैं कितना ऊपर आ चुका हूँ। बाकी यहाँ लोकल्स लोग रहते हैं भाई। और भाई ये जो एडवेंचर है ना पैदल चलने का, काफ़ी अच्छा है भाई। आराम से टहलते हुए निकल जाओ और कहीं कहीं एकदम मतलब खाली खाली सा, तो थोड़ा बहुत डर आपको लगेगा, बाकी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप पैदल जा सकते। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा खाली खाली सा, मतलब थोड़ा खाली होने की वजह से हल्का फुल्का डर लगता है, बाकी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वाला जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, वहाँ से मैं आया हूँ चलते चलते। तो इस बार मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, यहाँ से छोटा सा शॉर्टकट है, घूम के आने की वजह से सीधा यहाँ आ गया। चल रहे हैं आगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हिमालय दर्शन स्थल 10 मीटर की दूरी पे। तो फाइनली इतना मेहनत करने के बाद मेहनत सक्सेस रहा। और यहाँ का जो व्यू है ना, मैं आपको सिनेमैटिक शॉट से भी दिखाऊंगा थोड़े, और ऐसे भी दिखाते हैं। और हाइट है 2310 मीटर, जहाँ पे हम लोग हिमालय दर्शन स्थल है, ये 2310 मीटर की हाइट है यहाँ की, और पब्लिक भी आई है अच्छी खासी। तो चलिए कुछ सिनेमैटिक शॉट कर शूट करते हैं और वीडियो दिखाते हैं आपको। और यहाँ देख लीजिए कितनी हाइट है, और यहाँ से हिमालय दिखता है शायद, लेकिन अभी कोहरे की वजह से पूरा ढक गया। चलिए।